absolutely nobody can tamper with that one, because there are so many technical securities in the EVMs that nobody can tamper with it. The first and foremost thing, the what we call as the microcontroller chip in the EVM machines, that is only programmable once only once. The programming usme badal nahi sakta hai. Similarly, the software code is in the chip. Software code hota hai na, usme usko na usko usko koi padh sakta hai ya it is neither it is rewritable. Usko fir dobara nahi likh sakta hai. तीसरा प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर जो है जो डेवलप हुआ ना वो हिंदुस्तान में ही हुआ है, इंडिया में ही हुआ, कहीं बाहर से बाहर दूसरे कंट्रीज से नहीं आया हुआ है. और वो दो फैक्ट्रीज है, वो तो बेल है, दैट इज़ इन बेंगलुरु, एंड देन इन हैदराबाद यू हैव दी अदर वन ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इंडिया लिमिटेड. सो दिस टू कंपनीज ओनली द मैन्युफैक्चर एंड दैट इज इन हाउस. दिस वन दि डेवलपमेंट इज डन इन हाउस, सो दे दैट कैनॉट बी टेम्पर्ड विद. अनदर थिंग इज देर इज नो इंटरनेट कनेक्शन आर नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दि इन द EVMs, सो दे कैनॉट बी टेम्पर्ड विद, आर देर कैन बी नो वाट यू कॉल इट एज वायरस थ्रेट्स.